नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एंड ईद हो गई, छुट्टी हो गई, मस्ती हो गई और फाइनली हो चुका हूँ मैं रेडी आज काम के लिए। और लगभग सुबह के टाइम हो रहा है 7:30-8 का। आज गेट मीटिंग है तो सौरभ भाई ने कहा था, वैसे भी काफी टाइम से यार 10 टाइम से गेट मीटिंग में गए थे। सौरभ भाई ने कहा जल्दी से आज गेट मीटिंग में आ जा, तो अब हो चुका हूँ रेडी। ब्रेकफास्ट किया नहीं है। रजिंदर को भी बोला मैंने भाई जल्दी आना, क्योंकि जल्दी आएंगे तो डेफिनेटली जल्दी काम खत्म करेंगे। एंड रेडी वेडी हो चुके हैं, अब ताले शाले लगाते हैं कमरों में, सारों में, किचन में, दोनों रूम्स में और वॉशरूम में। एंड फ्रेंड्स, टी शर्ट कर ली चेंज, यार गर्मी लग रही थी जियो वाली टी शर्ट में, बहुत ज़्यादा अजीब सा कपड़ा है इसका यार, चुभता है। सो मैंने यार टी शर्ट चेंज कर ली, अब तो निकलते हैं, वहीं पर मिलते हैं। और अपनी दन्नो हो गई है रेडी जाने के लिए, मौसम भी मस्त हुआ हुआ है, ठीक ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी है। एंड गेट मीटिंग के बाद फ्रेंड्स मैं आ गया छोटू के घर ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहां मामू का सबसे क्यूट बच्चा देखो क्या ड्रामे कर रहा था। ये ब्लॉग में पूरे इसके ड्रामे देखना। ब्लॉग में आ गए कसम से। ओए गाइस देखो कटवा वाले रो रहे। ओह फिर से बोल, सुना नहीं फैंस ने, सुना नहीं, बता फैंस को। इधर देख, इधर देख मामू की तरफ। ओहो सुबह ब्लॉग में ही आ गया तू। सो फ्रेंड्स, छोटू के यहाँ जाके मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया एंड गेट भी ठीक है, कोई नहीं आया मेरे सिवा। और साढ़े आ गए ने रजिंदर बार। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। रजिंदर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? कल छुट्टी मेरी थी तो आपकी क्यों नहीं हुई? मैंने संडे को लेनी। संडे को तो मेरी भी है यार, कल परसों में दो दिन छुट्टी है। तो बुला लिया था जगह? किसके साथ है फिर? कल विशाल भाई के साथ है। वरुण नहीं आया था क्या? वरुण आया था बाद में आया था। तो कितनी कॉलें की थी कल? नहीं यार बड़ा काम खींचा कल यार। तो चले बाकी सेहत से ठीक है, ओके रिपोर्ट हो, निकलते हैं। जैसे सामान भी लेना है सिटी की, आज हमें इंस्टॉलेशन है। ओके बाय। एंड फ्रेंड्स, नो डाउट यार सिद्रा वालों का पेट्रोल बहुत ऑसम है। 443 पे मैंने डलवाया था, ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर चला है 1 किलोमीटर में यार। यानी कि मेरी स्कूटी इस टाइम राइट नाउ 55 टू 56 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दे रही है, दैट इज ऑसम यार। एंड फ्रेंड्स, पेट्रोल डलवाने के बाद हम आए जेसी सामान लेने के लिए। और क्या ऑसम मौसम हो गया था यार, वेदर चेक करें आप। हवा बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई थी, जहाँ के रजिंदर बोल रहा था जल्दी से सामान लेके जेसी बैठ जाएंगे क्योंकि बरखा पौन आ लिया, इसने बोला था। एंड गाइस, बारिश टुकड़े का नाम नहीं ले रही है। रजिंदर भाई ले रहे हैं खिलौने अपने होने वाले बच्चों के लिए। हैं रजिंदर भाई, महंगाई हो रही है तभी ले रहे हैं, तभी ले सही पकड़े हैं। एंड गाइस, दोपहर तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो मैं और रजिंदर आ गए सौरभ के पास चाय पीने के लिए। एंड फिर मैंने चाय कैंसिल करके मिल्क वाली बॉटल पी और रजिंदर ने पी सौरभ की स्पेशल चाय, साथ में शायद उसने कचौरी खाई थी। सो फ्रेंड्स, फाइनली जुम्मे की नमाज भी हो गई, मैं पढ़ाया एंड रजिंदर को मैंने कहा इतने टू एक्टिवेशन डाल दे, तो वो एक्टिवेशन डाल रहा था। एंड अब निकलना है लंच करने के लिए, छोटों के जाऊंगा मैं लंच करूंगा। रजिंदर खाना लाया हुआ है एज यूजुअल, तो यार सौरभ के बैठ के खाएगा, नॉटी भी खाएगा यार, दाना बड़ा गंदा हो गया यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर चले गंदा क्यों बोलना, जब मुझे हुआ तो अच्छा ही हुआ होगा। एंड अभी रजिंदर अंदर इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर रहा है, मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ जुमे की, तो अब निकलेंगे लंच करेंगे, उसके बाद जो जो कॉल्स करेंगे वो आप आपके साथ शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग, लव यू ऑल। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया था छोटू के यहाँ लंच करने के लिए और रजिंदर गया था सौरभ के लंच करने। फाइनली हो गए काम से फ्री, चाय चल रही है। एंड यार बुरी हालत हो गई, थक गए रजिंदर भाई, थक गए, थक गए। मैं बहुत थक गया, इसलिए मैं अब
सोना चाहता। चले अभी रजिंदर भाई को छोड़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या परेशानी मेरे साथ होने वाली है अगले नेक्स्ट वीक और 10 डेज के अंदर अंदर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड गाइस, काम से फ्री होने के बाद मैं होम मिनिस्टर के साथ आ गया सिटी में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ सामान लेना था। फिर उन्होंने अपने लिए की कुछ शॉपिंग एंड मुझे रखा था सामान ढोने के लिए। एंड जहाँ जाना है, पकड़ बैग, पकड़ सामान, मुझे शॉपिंग करनी है। और इसके पीछे का रीज़न, एक इतना भयंकर रीज़न है, मैं आपको क्या बताऊँ कि यार, एक तो मैं शॉपिंग भी कर रहा था, साथ में सामान भी पकड़ रहा था, और मेरे लिए एक सदमे वाली बात थी जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। एंड यार, मुझे भांटा पीने का मशहूर शॉप से बहुत मन था, लेकिन मुझे भांटा भी नहीं पीने दिया। एंड उसके बाद जनाब की फरमाइश आई कुछ और सामान लेने की, तो मैं बेचारा लाचार बैग पकड़ के और निकल पड़ा पीछे पीछे सामान देखते हुए कि क्या क्या उठाना है। क्या गोइंग टू डिवोल्ज के सबके पीछे रीजन क्या है ये सब सामान लेने का, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि होम मिनिस्टर साहब मेरे जा रहे हैं अगले नेक्स्ट 7 to 10 डेज के लिए कश्मीर, जो के लिए यार मेरे लिए बहुत परेशानी वाली बात है। मैं बिल्कुल अकेला तनहा हो चुका हूँ, अब मेरा क्या होगा, अब देखें मैं कितना उदास और परेशान हो गया हूँ। देखें, बादल पतंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों मैं फिर से गवारा बन गया हूँ। सो शॉपिंग के बाद बिल्कुल मैं उदास हो चुका था, तो मुझे मेरी उदासी को देखकर जनाब उन्होंने कहा चलो गांधीनगर जूस पी कर आते हैं। तो शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद मूव किया गांधीनगर जूस पीने वाली जगह पे। आई एम सॉरी, परेशान तो मैं हो ही रहा था क्योंकि मैं 10 दिन के लिए बिल्कुल अकेला होने वाला था। बहुत परेशान हूँ मैं, उदास हूँ मैं, इसलिए मैं जूस भी जल्दी जल्दी पी रहा था कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करूँ अपने होम मिनिस्टर साहब के साथ, क्योंकि वो जा रहे थे और मैं बहुत उदास हो रहा था। मैं बहुत उदास हो चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुका हूँ घर पे, एंड खाना मैंने आज उकार भाई के खाया, क्योंकि यार उकार भाई भी बोल रहे थे ईद होगी भरावा तू आया नहीं, तो आज उनके जाके खाया। एंड बहुत उदास हुई यार, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, होम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं कश्मीर 10 दिन के लिए, मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। अब दिल उदास रहेगा, 10 दिन में क्या करूंगा, परेशान हो जाऊंगा यार, आदत है, जीने की वजह है। बाकी टॉप सीक्रेट। एंड चले, उम्मीद करूंगा आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। ऐसे कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सपोर्ट करते रहे, काफी सपोर्ट कर रहे हैं, काफी ग्रो हो रहा है, आस्ता आस्ता हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह ऐसे ही हो, डेफिनेटली ग्रो होगा। आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है, और बुजुर्गों की दुआएं हैं। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कल मिलेंगे जिंदगी रही तो नए सफर के साथ, नए सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल।